सोलन की धावक कल्पना एक के बाद एक दर्जनों मेडल्स हिमाचल की झोली में डाल चुकी है। आज वह फिर से चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल मास्टर गेम में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर आई हैं और हिमाचल का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है। इसके बाद वह मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोलन की कल्पना पिछले 6 वर्षों में लगातार दर्जनों सिल्वर और गोल्ड मेडल हिमाचल की झोली में डाल चुकी हैं, लेकिन आज तक शायद सरकार की नजर उनकी उपलब्धियों पर नहीं पड़ी है और आज तक उन्हें सरकारी तौर पर प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, जिसके चलते कल्पना के दिल में कहीं न कहीं मायूसी देखी जा रही है। कल्पना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो लेक्चर जिसके चलते उन्हें स्कूल में विद्यार्थियों के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दिल के जज्बे, जुनून और कुछ करने की चाहत की वजह से भी अपनी दौड़ के लिए न केवल समय निकालती हैं, बल्कि दौड़ में जीत हासिल करने के लिए भी वह कड़ी मेहनत कर खून पसीना एक कर देती हैं। यही कारण है कि आज वह जिस दौड़ में भी शामिल हुई हैं, वहां से हिमाचल के लिए मेडल जरूर लाती हैं। कल्पना ने कहा कि खिलाड़ियों को अगर सरकार से प्रोत्साहन मिलता रहे तो उनका मनोबल दुगना हो जाता है और वह भविष्य में और भी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि कल्पना परमार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। अगर ऐसा प्रदर्शन पंजाब या हरियाणा में किसी खिलाड़ी ने किया होता तो उसे न केवल सरकार से प्रोत्साहन राशि मिलती बल्कि उन्हें नौकरी भी, पदोन्नति का तोहफा भी मिल सकता था, लेकिन कल्पना है कि वह केवल कड़ी मेहनत कर बार बार अपने को साबित कर रही हैं, लेकिन उस पर प्रदेश सरकार कब मेहरबान होगी और कब उनकी मेहनत को सराहा जाएगा यह शायद किसी को भी नहीं पता। लेवल पर जो है पहली बार मुझे गोल्ड मेडल मिला है। 10,000 मीटर में मुझे गोल्ड मेडल और 5,000 मीटर में मुझे सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। एक तो इतना सुंदर इन्होंने टाइटल रखा है, हम में है दम, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सच में ही थोड़ा सा दम तो रखना ही पड़ता है और ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें जज्बा है, जुनून है और ये कुछ करने की अपने मन में, वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है। अभी तक रही हिमाचल प्रदेश सरकार की बात, तो स्पोर्ट्स के लिए को बहुत कम हमको जो है इसमें प्रोत्साहन मिलता है, बहुत कम मिलता है हमें।